समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के निधन पर नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सपा के सभी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में सपा जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश के सभी जिलों में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसको देखते हुए गोरखपुर में भी रानी लक्ष्मीबाई पार्क में नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी सपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। हम सभी को नेताजी के विचार आचरण आत्मसात करके पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य करना है, यही श्रद्धेय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी, शिवाजी शुक्ला, शशिकांत दुबे, विश्वजीत त्रिपाठी, जावेद खान, हीरालाल यादव, संतोष यादव, सुनील यादव, विकास यादव, ब्रजनाथ मौर्य, सुरेंद्र निषाद, रामजीत यादव, शिव प्रसाद यादव, इमरान खान, विक्रांत उपाध्याय, नावेद मलिक, जनार्दन सिंह, घनश्याम राव, कमलेश यादव, अमरुद्दीन अंसारी, जुबेर अहमद, खुद्दुस अली, संजय निषाद सहित अन्य सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा, समाजवादी परिवार और नेताजी के परिवार के साथ काम कर रही है कभी, और वर्तमान में गोरख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आदि डॉक्टर रजनीकांत पांडे जी से अनुरोध, अरविंद शुक्ला से अनुरोध करता हूँ कि मंच बनावे और शक्ति बहुत से लोग है बात करने के लिए। हमारा चूंकि पारिवारिक संबंध था नेताजी से और नेताजी के घर से भी मेरे पिताजी का, मेरा, मेरे और 78 में 2 साल नेताजी के साथ इटावा में भी बिताया है। समाज बहुत से लोग लेकर के चले और अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी तरह से उस पर रोशनी देते गए, रास्ता देते गए, लेकिन समाजवाद जलाई हुई लौ है वो कभी फीकी नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी के शक्ल में वो बिंब हो, परछाई वो तस्वीर दिखाई देती है और निश्चित रूप से जो है अखिलेश यादव जी उस चीज को बढ़ाएंगे आगे। साथियों, ज्यादा वक्त नहीं करके 2-4 लाइनें शेर में मैं कहूंगा कि कौन कहता है कि मौत आएगी मर जाऊंगा, कौन कहता है मौत आएगी मर जाऊंगा, अरे मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। दोस्तों, है जलवे ऐसे भी कुछ जिनकी ताबानी नहीं जाती, तकता वो चाहूंगा, है जलवे ऐसे भी कुछ जिनकी ताबानी नहीं जाती, छुपे वो लाख लेकिन वर्त सामानी नहीं जाती, वो आते हैं अदल ही से नए अंदाज में आलम और ताज्जुब क्या जो उनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती, ताज्जुब क्या जो उनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। दोस्तों, मैं अपनी खराजी अकीदत और श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि नेताजी को समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बात यहाँ से शुरू करना चाहूंगा कि नेताजी को पहली बार मेरा सामना, आमने सामने मुलाकात 1991 का चुनाव विधानसभा का बुरा तरह से हारने के बाद गोरखपुर सिटाई डाक बंगले में हुई थी। वो फोटो तमाम अखबारों में नेताजी के निधन के बाद गोरखपुर में छपी थी, इसमें आदरणीय किस कुमार त्रिपाठी जी की भी फोटो थी। क्योंकि चुनाव बुरी तरह से हम लोग हारे थे, चेहरा लटका हुआ था, उर्दू का एक शब्द है कि हम लोग मायूस थे, तो नेताजी स्वर्गीय जमुना निषाद जी जिंदा थे, हो सकता है किस कुमार जी को याद हो, उन्होंने कहा हंसते हुए फोटो बनवाओ और 2-3 साल के अंदर फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनेगी, और 93 में समाजवादी पार्टी की पुनः सरकार बन गई। ये नेताजी का हौसला था। नेताजी का जिस दिन निधन हुआ,
हम मेदांता अस्पताल में थे, अपने आप आंख छलक गई और 26 साल की उम्र में जब लोग युवा संगठन की राजनीति करते हैं तो 26 साल की उम्र में उन्होंने समाजवादी पार्टी गोरखपुर का महानगर अध्यक्ष को बनाने का काम किया। एक कठिन दौर ऐसा था कि दल के अंदर जो दलीय राजनीति होती है तो उसके अंदर जो कंपटीशन होता है उससे हम झेल रहे थे, लड़ रहे थे कि कैसे अपने को भी आगे की लाइन में रखा जाए। तो नगर निगम उप सभापति का चुनाव था और नेताजी के बंगले पर मैं पहुंच गया। 15-20 मिनट के बाद मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि नगर निगम उप सभापति का चुनाव मैं लड़ना चाहता हूं। उन्होंने एक सेकंड छोड़ा नहीं, कहा तुम पार्टी के कार्यकर्ता हो, और फोन उठाया और शिवपाल यादव जी को फोन किया कि गोरखपुर नगर निगम का चुनाव जियाउल इस्लाम लड़ना चाहते हैं। हमको अच्छी तरह याद है, ए सीताराम जायसवाल जी को मैं टिकट दिलाने ले गया था। कहा जाता है गोरखपुर के बहुत बड़े व्यापारी हैं, हमारे महापौर सम्मानित बुजुर्ग आदमी है, सम्मान मैं उनका करता हूं। मगर जब सीताराम जी को मैं टिकट दिलाने ले गया, हम थे आदरणीय जयप्रकाश यादव जी थे, श्री गणेश शंकर पांडे जी थे और तमाम साथी थे, तो सीताराम जी से ये नहीं कहा कि तुम कितने बड़े पैसे वाले आदमी हो, तुम कितने बड़े व्यापारी हो। 10 लाख रुपया निकाल करके उनको दिया और कहा जाओ ये समाजवादी पार्टी की तरफ से तुम्हारी मदद है और ये टिकट जाकर चुनाव लड़ो। आसत वाला चुनाव लड़ेगा ये मानेंगे नहीं, इसको भी 2 लाख रुपया दे दो। ये नेताजी का विचार था। आज नेताजी की श्रद्धांजलि सभा पूरे प्रदेश में चल रही है, उसी कड़ी में आज गोरखपुर जनपद के इस रानी लक्ष्मीबाई पार्क में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज देश को जिस तरीके का नेतृत्व नेताजी ने दिया, आज सभी हम लोगों को सबक लेते हुए उसी रास्ते पर चलना है। आज इसी संकल्प के साथ समाजवादी लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं।